हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द थर्ड पार्ट ऑफ आवर टॉपिक कैपेसिटी। ओके, तो शुरू के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ऑलमोस्ट हमें जो भी कैपेसिटी के बारे में पढ़ना था, जानना था, हमने जान लिया है। ठीक है, हमने जान लिया है कि कैसे हम कैपेसिटी में एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ हम लोग जाने हैं कि कैपेसिटी में कैसे हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं कैसे, या किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये सारे बातों को हम लोग प्रीवियस पार्ट्स में, मतलब पार्ट वन और पार्ट टू में जान चुके हैं। तो इस पार्ट में हम लोग उन सारे बातों के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आज इस थर्ड पार्ट में, यही सीखेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैं अक्सर आप लोगों को ये बात बोलता हूँ कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, है ना। उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे और तब जाके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये नहीं कि एकदम आप कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियाँ कर बैठते हैं। ऐड करना होता है आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या सब्ट्रैक्ट करना होता है आप ऐड कर देते हैं। तो ये आप ऐसा गलती ना करें, उसके लिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें पहले। तो हम लोग वही करते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको। तो क्वेश्चन है हमारा, ए कंटेनर हैज 32,346 ml ऑफ वाटर। कंटेनर मतलब कोई पात्र होता है जिसमें कोई चीज़ को रखा जाता है, ठीक है ना। तो उसमें पानी रखा हुआ है जिसकी कैपेसिटी है 32,346। एक और कंटेनर है, अनदर कंटेनर हैज 40,654 ml ऑफ वाटर। मतलब एक और पात्र है जिसका कैपेसिटी है, मतलब जिसमें पानी जो रखा हुआ उसका कैपेसिटी है 40,654 ml ऑफ वाटर। अब क्या करते हैं कि इन दोनों कंटेनर्स को, बोथ कंटेनर्स आर पोर्ड इनटू एन एम्प्टी टैंक। एक खाली टैंक में उसको पोर कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज द टैंक कंटेन। ओके, तो क्वेश्चन को समझिए। जैसे हमारा मतलब दो कंटेनर है जिनका कैपेसिटी दिया है ml में, लेकिन आंसर पूछ रहा है लीटर्स में, है ना। यानी कि हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमें बात समझ में आ रहा है। तो अब शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सॉल्यूशन जब भी बनाएंगे आप, तो सबसे पहले वो बातों को लिखेंगे जो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ के समझा है। जैसे अमाउंट ऑफ वाटर इन कंटेनर, इन वन कंटेनर, है ना। अब उसको आप लोग अपने शब्दों में भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अमाउंट of water in one container, क्या हो जाएगा 32,346 ml। और क्या है दिया है, amount of water इन अनदर कंटेनर। ml। ठीक है, तो हमने लिख दिया दोनों कंटेनर का जो पानी का कैपेसिटी या अमाउंट है वो हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है तो बताना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। मतलब इसको दोनों को एक खाली टैंक में भर दिया गया, तो उस टैंक में कितना लीटर वाटर है। तो पहले तो हम लोग मिल लीटर में निकाल लेते हैं कितना मिल लीटर है, उसके बाद फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे ना। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द टैंक क्या कितना हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, तो इनको प्लस कर लेंगे
3, 2, 3, 4, 6 ml plus 4, 0, 6, 5, 4 ml. ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं, 6 plus 4, 10 ओके 73,000 ml. ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द टैंक. टैंक में 73,000 मिलीलीटर है, लेकिन हमें क्या बताना है, लीटर्स बताना है. तो हम लोग इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे. और लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं. ये बात हमने फर्स्ट पार्ट में ही सीखा था, ठीक है, आपको याद होगा. तो यहीं पर हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 1000. और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, पॉइंट आ जाता है कहाँ, तो लास्ट के 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, मतलब 73.000 लीटर. यही हो गया आंसर. अब आप पॉइंट के बाद 30 दे या ना दे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आपका यही है 73 लीटर. ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे भी जो दिए गए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कंटेनर हैज लीटर ऑफ वाटर एंड अदर कंटेनर हैज बोथ कंटेनर्स आर ओके. तो आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली एज द प्रीवियस वन. ठीक है ना, पहले जो भी आपने बनाया एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ अमाउंट में डिफरेंस है. आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों ही एकदम सेम है. वहाँ पे मिल लीटर में था, ये दोनों लीटर में है, यानी हमको यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इसको मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ. सो दिस क्वेश्चन यू विल सॉल्व योर सेल्फ. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझते हैं क्या कह रहा है ना, और उसके बाद समझें फिर देखें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है. तो क्वेश्चन है, ए कंटेनर है 334.762 लीटर ऑफ मिल्क, है ना, दिस इज लीटर, दिस इज एल, एल फॉर लीटर, है ना. आउट ऑफ दिस 142.676 लीटर वॉज कंज्यूम्ड. कंज्यूम मतलब खपत हो गया, मतलब खर्च हो गया. एक कंटेनर में इतना दूध था जिसमें से उतना खर्च हो गया. वॉट इज द क्वान्टिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर. ये भी बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, बट इसको बनाएंगे क्योंकि थोड़ा अलग है. तो क्या है, पहले लिखते हैं जो दिया हुआ है. ठीक है, कंटेनर में इतना लीटर ऑफ मिल्क है. अब क्या होता है, सिंस ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है वो कंज्यूम हो गया मतलब खपत हो गया, खर्च हो गया. तब हमें क्या बताना है, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर. तो इसको भी लिख लेते हैं, लेफ्ट कितना बच गया है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जितना था उसमें से जितना कंज्यूम हो गया. बात को ध्यान रखना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है और किसमें से करना है.
ठीक है, बस अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो जैसे करते हैं आप जानते हैं ऑलरेडी, थोड़ा डिफिकल्ट है बट ध्यान देना, 2 से 6 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, 6, फिर ये हो गया 6, ये हो गया 15, सो इट इज़ 192.086 लीटर। इतना सा, इतना मतलब दूध उसमें अभी भी बचा हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रम इज 220 लीटर्स, इट हैज इतना ml ऑफ वाटर, हाउ मेनी मोर लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी पोर्ड इनटू इट टू मेक इट फुल। ओके, कैसे बनाएंगे इसको समझिए फिर बना दे, थोड़ा डिफिकल्ट है बट या वी कैन सॉल्व इट। कह रहे कैपेसिटी ऑफ ड्रम, मतलब एक ड्रम में इतना सा, इतना ज्यादा पानी आ सकता है, 220 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन उसमें इतना मिलीलीटर वाटर है। अब देखिए, एक लीटर है, एक मिलीलीटर है, तो फिर जैसे मैंने बताया कि मिलीलीटर लीटर अलग अलग रहेगा, तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले लिखते हैं, मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि हमको इसको लीटर में कन्वर्ट करना था। क्यों करना था? क्योंकि वो जो दिया हुआ है वो मिलीलीटर में है, तो इसको भी हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। अब सिंस इट हैज 136840 ml ऑफ वाटर, मतलब इसमें है ऑलरेडी, यानी अब हम लोग को इसको भरने के लिए इतना तो डालने की जरूरत नहीं है, इतना ऑलरेडी है, तो कितना और डालना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो देयरफोर अमाउंट ऑफ वाटर या क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज नीडेड is equal to subtract करिए, बस हो गया, ये 10 ही रहेगा, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में 6 गया 3, फिर 1 में से नहीं जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, और ये 0। तो इतना मिलीलीटर पानी की जरूरत है, लेकिन अगर हम इसको लीटर में आंसर करना चाहें तो इसको लीटर में भी कर सकते हैं, 83160 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो लीटर में हो जाएगा, और जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 3 डिजिट पहले चला आता है पॉइंट, तो दिस इज द आंसर, मतलब 83.160 लीटर, ये हमारा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बकेट कैन
A bucket can hold 22.96 liter of water. 84 buckets of water can fill a drum. What is the capacity of the drum in liters? तो ये बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है? तो चलिए इसको बनाते हैं, थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, इसलिए इसको बनाते हैं। क्या दिया है? पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं, पढ़ लेते हैं। ए बकेट कैन होल्ड 22.96 लीटर ऑफ वाटर, मतलब एक बाल्टी है, उसमें ये जो दिख रहा है आपको, इतना पानी उसमें आता है, है ना? अब उस बाल्टी से एक ड्रम को भरने में 84 बकेट्स के बराबर एक ड्रम है, तो हमें ड्रम का कैपेसिटी बताना है। यानी ड्रम का कैपेसिटी इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ ए बकेट मल्टीप्लाइड बाय 84, है ना? क्योंकि 84 बकेट मिलकर ड्रम को फिल कर रहे हैं, इसीलिए कैपेसिटी ऑफ ड्रम क्या हो जाएगा, तो दिस कैपेसिटी ऑफ बकेट मल्टीप्लाइड बाय 84। ये हमें मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा स्टेटमेंट देते हुए इसको करते हैं हम लोग। लीटर। अब हम लोग रीजन दे रहे हैं, सिंस 84 बकेट्स कैन फिल ए ड्रम, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द ड्रम इज इक्वल टू 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? मतलब ये एक क्वांटिटी है, कैपेसिटी है, उसको हम लोग 84 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये आपने पढ़ा था, सेकेंड पार्ट में आपको बताया गया था। चलिए करते हैं फिर से। ठीक है, देखा आपने, मैंने यहाँ पे कोई भी डेसिमल्स का प्रयोग नहीं किया, और आप भी नहीं करेंगे, आप अक्सर ऐसा करते हैं जो गलत है। ठीक है, अब हम लोग को, जब हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, तो हम लोग पॉइंट कहाँ देंगे? तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट के पहले, और ये हो जाएगा लीटर। मतलब जो ड्रम की कैपेसिटी है, दैट इज 1928.64 लीटर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक कंटेनर हैज 219.64 लीटर ऑफ लिक्विड, है ना? एक कंटेनर है, मतलब कोई पात्र है जिसमें इतना लिक्विड है। अब लिक्विड का मतलब होता है कोई भी तरल पदार्थ, जैसे तेल, पानी, दूध या और भी कोई चीज। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन स्मॉलर बॉटल्स, छोटे छोटे बॉटल्स। अब ये जो पूरा लिक्विड है, इसको छोटे छोटे बॉटल में भरना है। अब कह रहा है कि ईच बॉटल विच कैन होल्ड 19 ml, और जिस बॉटल में भरना है उस बॉटल का कैपेसिटी 19 ml है, तो हाउ मेनी बॉटल्स कैन बी फिल्ड। अब देखिए यहां भी ध्यान देना है आपको, ये लीटर में है, ये मिल लीटर में है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लीटर को मिल लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। गिवन लीटर, हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, है ना? और जब 1000 से मल्टीप्लाई करते
क्या होता है, 3 डिजिट राइट चला जाता है, तो यहाँ 2 ही डिजिट है तो 1 0 हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मिलीलीटर। अब हम लोग नाउ सिंस ईच बॉटल कैन होल्ड 19 ml, therefore the number of bottles is equal to, हम लोग को ये पता करना ना कितने bottles लगेंगे, तो number of bottles is equal to क्या हो जाएगा, तो हम लोग divide कर लेंगे, जैसे मैंने कहा भी आप लोग को कि divide करना है 19, ओके okay, तो अब 19 से यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, हम लोग नेक्स्ट पेज में डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, यही नंबर था हमारा। अब डिवाइड करिए, तो 19 वन ज़ा 19, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 एंड 9, ठीक है। अगेन 19 वन ज़ा 19, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बचेगा इस बार। अब आएगा 6। अब 19 का टेबल पढ़िए आप, 5 टाइम्स पढ़िएगा तो 95 आएगा, 5 टाइम्स में 95, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब क्या आएगा, 4 आएगा, अभी 6 टाइम्स में जाएगा। अब ये 114 यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 114, इसी को यहाँ पे लिखे हैं, है ना, तो ये भी 6 टाइम्स में चला जाएगा। यस, तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये कैंसिल हो गया। लेकिन अभी भी देखिए एक डिजिट यहाँ पे 0 बचा हुआ है, ये अभी आया नहीं है, तो ये जब 0 आएगा तो ये 0 टाइम्स में ही जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आया, 11560। तो यही जो आंसर आया उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, कितना आया था, 11560, और यही हो गया आपका आंसर। मतलब इतने बॉटल्स अगर होंगे तो जो लिक्विड है वो उसमें कंटेन कर लेगा, ठीक है। तो अब हम एक लास्ट टॉपिक हो गया हमारा एस्टिमेटिंग वेट्स, वेट को कैसे एस्टिमेट करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो आपने ऑलरेडी एस्टिमेटिंग नंबर्स पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में, आपको बताया गया है, तो सिमिलर उसी तरह से ये बनेगा, बट इसको एग्जाम्पल समझते हैं। आई एम सॉरी, इट इज नॉट वेट्स, इट इज कैपेसिटी। एस्टिमेटिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो कैसे एस्टिमेट करेंगे कैपेसिटी को, तो जस्ट लाइक हम लोग एस्टिमेट करते हैं इस किसी नंबर को, ठीक है ना। हमको बस ये ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद का डिजिट कौन सा है। जैसे एग्जांपल से सपोज एक लिखा है नंबर 23.467 लीटर, ठीक है। तो अब हमको इसको एस्टिमेट करना है, तो लीटर है तो लीटर में ही करेंगे, तो हमको देखना है बस पॉइंट के बाद का ये डिजिट क्या है। पॉइंट के बाद का डिजिट, ये 6-7 से मतलब नहीं है, केवल इसे मतलब है, और ये 4 है। और अगर पॉइंट के जस्ट बाद वाला डिजिट अगर 4 हो या उससे कम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली रिमूव कर देंगे, और ये एस्टिमेशन वाला साइन है। अगर इसका ऐसा साइन दिया हुआ है तो आप समझिएगा कि एस्टिमेट करना है, तो आप सिंपली रिमूव कर देंगे और जो बचेगा वही हो जाएगा आपका आंसर, समझ गए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 45.6
0.01 लीटर। अब इसको एस्टिमेट करना है, तो आप देखिए यहाँ पे हमें, जैसे मैंने कहा आपको पॉइंट के जस्ट बाद वाला डिजिट्स मतलब है, तो पॉइंट के जस्ट बाद 6 है, तो आप ध्यान रखिएगा 5 से ज़्यादा अगर कोई नंबर होता है, कोई डिजिट होता है, तो हम लोग क्या करना है कि इसका पॉइंट के पहले वाला जो है 45 उसमें 1 ऐड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 46, और ये लीटर है तो लीटर लगा देना है। ओके तो बस यही कर रहा है ये, आप लोग ऑलरेडी काफ़ी बार आप लोगों को बताया गया राउंड ऑफ करना, हम लोग जब भी पढ़ते तो राउंड ऑफ भी सीखते हैं, तो सेम वही रूल है, केवल यहाँ पे बस आपका यूनिट बदल रहा है, कभी लीटर आ रहा है तो कभी केजी आ रहा है, तो कभी मीटर आ रहा है तो कभी किलोमीटर आ रहा है, बस इतना ही का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वेट एस्टिमेट करना है, और अगर जब आप वेट एस्टिमेट कर लिए, सॉरी कैपेसिटी का एस्टिमेट कर लिए, तो उसको आप लोग सम भी फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, 41.621 लीटर प्लस 21.123 लीटर। अब इसको हमको एस्टिमेट करना है, इसके सम को एस्टिमेट करना है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको एस्टिमेट करेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा 42 लीटर, क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है, ये देखिए ये पॉइंट के बाद 1 है, तो इसमें नहीं ऐड करेंगे तो 21 लीटर हो जाएगा। अब जब हमने इसको एस्टिमेट कर लिया तो अब ऐड कर देना है 42 प्लस 21, आई मीन इधर लिख दीजिए 63 आ गया ना, यानी 63 लीटर हो गया। अब इसी तरह अगर माइनस होता तो माइनस कर देते हैं, प्लस था तो प्लस कर दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, आप आसानी से एस्टिमेट भी कर सकते हैं। तो आई होप जो भी आपको बताया गया समझ में आया होगा, और हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी चीज़ें को जानना था हम लोग जान चुके हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी बना लिए, एस्टिमेट करना भी सीख लिए, है ना, कन्वर्ट करना भी सीख लिए एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना भी सीख लिए, है ना, वर्ड प्रॉब्लम बनाए तो उसको हम लोग समझ भी गए कि हम लोग कैसे उसको यूज़ करते हैं, सारी बातों को लगभग हम लोग जान चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो भी आपको बताया गया उसका आपको कॉपी में नोट डाउन नोट कर लेना है, नोट बनाना है, मतलब जो भी आपको पढ़ाया गया है, क्लास वर्क होमवर्क कॉपी है तो उसको भी बना लेंगे, और ताकि मतलब आप छूटे नहीं, है ना, हम लोग डेली वीडियो डाल रहे हैं तो आप लोग डेली बाय डेली अपना काम करें पूरा, है ना, नहीं तो फिर पीछे हो जाइएगा। ओके, तो आई होप जो बताया गया आपको समझ में आया है, तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।